हे गाइस, वेलकम बैक। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने जा रही हूँ जो देखने में विंग्स की तरह लगता है और आप इसे किसी भी लेडीज स्वेटर, कार्डिगन या बच्चे के स्वेटर में डाल सकते हैं। यह सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। पैटर्न मल्टीपल ऑफ 18 स्टिचेस में चलता है। इसमें आप 18, 36 या इससे भी आगे आप 18 की सीक्वेंस में स्टिचेस कास्ट ऑन कर सकते हैं, पर मैंने इसमें दो स्टिचेस और कास्ट ऑन किए हैं ताकि इसमें साइड बॉर्डर्स बन सके। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद दो लाइन आपने सिंपल स्टॉकिनेट की बनानी है, उसके बाद पैटर्न शुरू होगा। इसमें पहले फंदे को आपने सीधा बनाना है, उसके बाद तीन बार आपने दो फंदों को एक साथ बुनना है, यानी 3 times आपने दो फंदों को एक करना है इस तरह से। और जब आप 3 बार दो फंदों को एक बना दें, उसके बाद आप धागा आगे करके 6 बार आपने सीधा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से धागा आगे किया और सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया और सीधा बनाया। इस तरह से आप 6 बार सीधा फंदा बनाएंगे और 6 बार इस तरह से करने के बाद फिर से 3 बार दो फंदों का एक करना है। ये देखिए, इस तरह से 3 बार दो फंदों को आपने एक बनाना है, इनका एक कर लेना है। 3 बार दो फंदों का एक करने के बाद लास्ट में एक फंदे को आपने सीधा बुनना है और इस तरह से आपकी 3rd row कंप्लीट हुई। 4th row आपने सारी उल्टी बनानी है, इसमें हमने कोई पैटर्न नहीं डालना है। फ्रेंड, इस पैटर्न में पहली और दूसरी लाइन हमने सीधी और उल्टी बनानी है, उसके बाद 3rd row से हमने अपना पैटर्न बनाना है और 4th row हमने उल्टी बनानी है। इस तरह से 4 लाइन का हमारा पैटर्न बनता है। 5th row से हमने फिर सीधा और 6th row में उल्टा बनाना है और उसके बाद 7th row से फिर यही वाला हमने पैटर्न बनाना है और 8th row में फिर हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से 4 लाइन का हमारा ये पैटर्न बन करके तैयार होता है। 7th row हमारी 3rd row की तरह ही बनेगी। इसमें पहले फंदे को हमने सीधा बनाना है और उसके बाद 3 बार दो फंदे हमने एक बनाने हैं, यानी दो फंदों का एक करना है। और इस तरह से 3 बार करने के बाद धागा आगे करके 6 बार फंदों को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, धागा आगे किया और फिर हमने सीधा बुना और इस तरह से फिर धागा आगे करके सीधा बुना और इस तरह से हम 6 बार धागा आगे करके सीधा बुनेंगे और इसके बाद फिर हम 3 बार फिर से दो फंदों का एक बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 बार दो फंदों का एक बनाने के बाद लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचता है, इसे हमने सीधा बुनना है और इस तरह से हमारी 7th row कंप्लीट हुई। यह बिल्कुल 3rd row की तरह ही बनेगी और उसके बाद 8th row हमने उल्टी बनानी है और इस तरह से हमारा पैटर्न बनता है। यह 4 लाइन का विंग्स लाइक पैटर्न देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में भी उतना ही आसान है। इसे आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन या बच्चे के स्वेटर में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।